Here is the question. How many grams of chromium are deposited in the electrolysis of solution of chromium nitrate in the same time that it takes to deposit 0.54 gram of silver in a silver collimeter arranged in series with the chromium nitrate cell? Atomic mass of chromium is 52 and silver is 108. Okay, dekho. आपके पास क्या क्या सीरीज में दो सेल लगाए हुए हैं, ठीक है? एक सेल है क्रोमियम नाइट्राइट का, नाइट्रेट का, ठीक है? और दूसरा सेल किसके लिए है? सिल्वर कोलोमीटर का, ठीक है? अब जब आपने सीरीज में इनको लगाए हैं और जब आप करंट पास करोगे तो यहां पर क्या अप्लाई होता है? फैराडे सेकंड लॉ अप्लाई होता है। फैराडे सेकंड लॉ में क्या कहते हैं, हमें मेन चीज यहां पर कैलकुलेट क्या करनी है कि कितना क्रोमियम का वेट डिपोजिट हुआ है पर्टिकुलर जो करंट हमने पास किया है उस पर, ठीक है? तो देखो दोनों के लिए जब आप करंट पास करोगे, ठीक है, ये दो सेल है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास है दो सेल, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा, ये एक और इलेक्ट्रोड, ये दूसरा, ये मान लीजिए मेरा क्रोमियम नाइट्रेट वाला है, ठीक है, और ये है मेरा सिल्वर कोलोमीटर वाला, ठीक है। अब ये क्या होता है, सीरीज में इस तरह से जुड़े होते हैं, ठीक है, ये सीरीज में इस तरह से जुड़े होंगे, ये वापस आगे बैटरी से जुड़े होंगे, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल वापस आगे बैटरी से जुड़े होंगे, ठीक है। जब करंट पास करोगे तो दोनों ही सेल में सेम करंट पास होगी, जब सेम अगर करंट पास होगी तो यहां पर जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फॉर दिस सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फॉर दिस सेल। यहां पर फैराडे फर्स्ट लॉ का सॉरी सेकंड लॉ का जो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, मैं डायरेक्ट वही अप्लाई कर रहा हूं। फॉर्मूला कहता है कि जो वेट ऑफ फर्स्ट है अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ सेकंड अपॉन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड। ये क्या होता है, फैराडे सेकंड लॉ का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट सेल के लिए जो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट का जो रेशियो होगा वो सेकंड सेल के वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला मैंने किसके लिए है, क्रोमियम के लिए, क्रोमियम का वेट क्या करना है मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसे मैं डब्ल्यू वन रहने देता हूं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्रोमियम क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। क्रोमियम का मोलिकुलर वेट कितना दिया है, 52 इंटू अब सॉरी मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बताओ क्रोमियम के लिए एन फैक्टर कितना आएगा, क्रोमियम को ध्यान से देखो, क्रोमियम नाइट्रेट लिया है तो कितना चार्ज आ रहा है, प्लस थ्री चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितना है, 0.54 ग्राम, उधर बोला आपने को, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मोलिकुलर वेट कितना है, 108 इंटू सिल्वर के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस वन चार्ज होता है, इसलिए उसका एन फैक्टर कितना है, वन है। बस अब आपको क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वेट ऑफ क्रोमियम कितना आ जाएगा, 0.54 इंटू 52 अपॉन 108 इंटू 3, इसे आप सॉल्व कर लेना, ये अप्रोक्स आपके पास आंसर आएगा 0.085, कितना आएगा, 0.085। हियर इज योर आंसर एंड चेक लेना, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन।